एलपीएस बोजार्ड कंपनी के एमडी राजेश जैन ने कंपनी के 25 साल की कामयाबी को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत भी की है और साथ ही कंपनी की मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के वजन को लेकर कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी अपने विचार उन्होंने साझा किए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलपीएस बोसार्ड के एमडी राजेश जैन जी। सर आज बहुत बड़ा दिन है एलपीएस बोसार्ड के लिए, सिल्वर जुबली आप मना रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। आज हमारा पूरा बोसार्ड का बोर्ड आया हुआ है ग्लोबली। सुबह अमिताभ कांत जी आए थे, स्विस एम्बेसडर अभी गए हैं, अरविंद शर्मा जी आए हुए हैं, बीबी बत्रा जी, मेयर साहब और पूरे शहर से जितने भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सुबह आज हमारे कम से कम 120 कस्टमर्स थे यहाँ पे जो पूरे ऑल इंडिया से आए थे, और तो सबके साथ मिलकर हमने ये आज अपना 25th ईयर सेलिब्रेशन बनाया। तो उसके लिए पूरा शहर को मैं कहूँगा, पूरे हमारे एम्प्लॉइज़ को, बोसार्ड की टीम को, कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि भाई एक बहुत अच्छी हमने कंपनी कामयाब की है और हमें लगता है कि अगले आने वाले अगले 25 वर्षों में भी कंपनी नई हाइट्स पे जाएगी। बिल्कुल सर, एक जो विज़न रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया वाला, उस पर कंपनी काम भी कर रही है। हमने चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल मिशन रहा वो हमने देखा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है एलबीएस बोसार्ड का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आगे फ्यूचर प्लान किया है? और जिस तरह से हमने देखा कि जो अम्बेसडर हैं स्विट्जरलैंड के वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, आगे किस तरीके से ये पार्टनरशिप रहेगी, जो एक अच्छी बॉन्डिंग है, काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं? ऐसे तो आप मेरे से ज़्यादा डैनियल का उनका लेते हैं कि एक्सपीरियंस। देखिए ऐसा है कि एलपीएस बोसार्ड हैज़ गॉन अ बिग वे। आज 15 से 20 साल लगते हैं चंद्रयान देने में, अभी हमारा जो नेक्स्ट गगनयान जाएगा उसमें भी हम उनके पार्टनर हैं। इनफैक्ट VSSC की टीमें आई हुई हैं, कल उनके डायरेक्टर भी आएंगे हमारे घर पर। और तो जितने भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया के तहत प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, तो आज आप पूरा जो मेट्रो सिस्टम है, पूरा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, चाहे आज मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कि जिसमें एलपीएस बोसार्ड का सहयोग नहीं है। और इसको हमारी पूरी टीम ने पिछले 25 वर्षों में बड़े हार्ड वर्क करके आज हमारे 2000 कस्टमर्स हैं और ग्लोबली हम कम से कम 40 कंट्रीज़ को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ हमारी बहुत अच्छी टीम है और वी आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूसली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पीपल, और साथ में कम्युनिटी का हमारा सपोर्ट है, सब हमारे लीडर्स का हमारे साथ सपोर्ट है। तो आई फील कि भाई जो मोदी जी का जो ड्रीम है 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का, तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है, तो जो आज इसमें इन्वेस्ट कर लेगा वो अगले 25 से 50 वर्षों तक कमाएगा। और सब ना सरकार को कोसो ना सिस्टम को कोसो, आप अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करिए, इससे अच्छा पीरियड आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता।